स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं। इस भर्ती के बारे में हम आपको बता दें कि इसका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, और एग्जाम होने के दिन से ही इसमें नकल की खबरें आ रही थी तथा और भी कई अनियमितता पाई गई हैं, जिसे लेकर कैंडिडेट लगातार इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और ये वैकेंसी इस समय कोर्ट में है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने क्या आदेश दिया है तथा इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आगे हम आपको बताएंगे आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को और इसकी आंसर की भी आ चुकी है और इसका रिजल्ट आना है 22 जनवरी को। हालांकि उससे पहले इस भर्ती को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रही है। अब यहां पे शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सरकार और कैंडिडेट दोनों इस पर यथास्थिति बनाए रखे। मतलब साफ है कि कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा 21 जनवरी को, तो उस दिन तय होगा कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा या फिर इस वैकेंसी में क्या होगा। इसके लिए एक पेपर कटिंग है, ज्यादा जानकारी के लिए आपको पेपर कटिंग दिखा देते हैं। तो देखिए ये है पेपर कटिंग और यहाँ पे हेडिंग है कि सहायक शिक्षक भर्ती में 21 तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश। दरअसल इसमें कोर्ट ने 18 जनवरी को सुनवाई किया और 18 जनवरी को सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इस पे सरकार यथास्थिति बनाए रखे। यथास्थिति का मतलब ये है कि यहाँ पे उसमें कोई भी अपडेट नहीं करना है, ना तो उसमें दोबारा कटाव लानी है या फिर से ना तो उसका रिजल्ट देना है। कोर्ट ने कहा है कि 21 जनवरी को जब हम सुनवाई करेंगे तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि इसमें आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका रिजल्ट 22 जनवरी को आ पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ नीचे पढ़ना होगा कि सोमवार को तय होगा कब रिजल्ट आएगा। अगर 21 जनवरी को सुनवाई में हाई कोर्ट इस पर फैसला देता है कि सरकार इस पर रिजल्ट दे सकती है, तो उम्मीद है कि 22 जनवरी को इसका रिजल्ट आ सकता है। हालांकि कोर्ट का रुख देखते हुए इसके चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि कोर्ट इसमें बड़ी कार्रवाई करे और सरकार को कुछ और ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये सब तो पता चलेगा 21 जनवरी को सुनवाई के बाद ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जो निर्धारित कटाप थी 65% जनरल और 60% ओबीसी, इसी को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यहाँ पे परीक्षाओं में इसके पूर्व की परीक्षाओं में कटाप 45% थी। तो यही है और इसमें कई और अनियमितता है, इसे लेकर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इसके लिए जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए जो दूसरा अपडेट है वो है इसमें आंदोलन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त होने तक चलेगा आंदोलन। तो ये भी आंदोलन हो रहा है 69,000 प्राइमरी के जो शिक्षक भर्ती है इसी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निरस्त किए जाने की मांग को लेकर सहायक अध्यापक भर्ती न्याय मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। इनका कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर देती है। हालांकि देखना होगा 21 जनवरी को क्या अपडेट आती है। सभी का नज़र 21 जनवरी की सुनवाई पर टिका हुआ है। जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।